अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको नारियल के हलवे की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। अगर आपको हलवा बनाना है और मीठे खाने की ख्वाहिश हो रही है, तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत इजीली तैयार हो जाती है और आपके घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको कभी भी किसी भी ओकेज़न या नॉर्मल घर पर भी बना सकते हैं। नारियल का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 2 गरी गोला ले लिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी में ग्रिंड कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कच्चा नारियल भी ले सकते हैं और गोले की भूसी भी मार्केट में आती है, वो भी ले सकते हैं। तो जो मेजरमेंट है वो मैंने इस ग्लास के अकॉर्डिंग, आपके पास कप ग्लास कटोरी जो भी है, आप जिससे मेजरमेंट कर रहे हैं उसी से मेजरमेंट आपको सारा करना होगा। तो ये मैंने 3 ग्लास जो है हुआ था ये गोला जो मैंने मिक्सी में चला लिया है, अब इसको हम घी में फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को हमने गैस फ्लेम पे रख दिया है। अब मैं 4 चम्मच जो है घी कढ़ाई में डाल दूंगी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब मैं ये जो हमने गोले की भूसी है, अब इसको इसमें हम डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी नारियल का हलवा तैयार हो जाता है, आप इसको अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। लो फ्लेम पे हमने गोले को अच्छे से फ्राई कर लिया है 5 मिनट के लिए। गोला जलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें उसकी जो टेस्ट होता है वो हलवे का, वो अच्छा नहीं आएगा। अब जितना हमने गोला लिया था उसी मेजरमेंट से मैं इसमें दूध डाल दूंगी। अब कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 2 से 2.5 गिलास दूध मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1 गिलास दूध और डालूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। हमारा गोला भी जो है वो अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि गोले में खुद तेल होता है, इसीलिए हमने ज्यादा घी नहीं डाला है इसमें। अब इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसी तरह बीच बीच में चलाएंगे, नहीं तो हमारा जो गोला है वो नीचे से कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है वो थिक होने लगा है। अब इसी तरह हम धीरे धीरे इसको बीच बीच में चला के भूनते जाएंगे। हलवा जो है वो लगना नहीं चाहिए, ठीक है, इसी तरह ये पकता भी रहेगा और इसको बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं इसका कलर अच्छा दिखने के लिए इसमें डाल रही हूँ और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमारा दूध जो है वो ड्राई होने वाला है। जैसे ही हमारा दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा, इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो गोला क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसमें हम ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। इसमें हम हाफ मेजरमेंट में डालेंगे। अगर आप 1/2 kg ले रहे हैं तो आप 250 ग्राम चीनी डाल दें, या फिर 1 kg ले रहे हैं, और अगर आप कप से ले रहे हैं तो अगर आपने 2 कप लिया है गोला तो आप 1 कप चीनी डाल सकते हैं इसमें। ऑलमोस्ट जो है वो हमारा दूध ड्राई होने वाला है, तो हम इसको कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे लगातार, ताकि हमारा गोला जो है वो कढ़ाई में लगे नहीं। अब इसमें हम देखिए हमारा दूध जो एकदम ड्राई हो गया है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसी ग्लास से मैंने गोला और दूध डाला है। गोला जो मैंने वो 3 कप लिया था, तो 3 कप मैंने दूध डाला था, वो बराबर मेजरमेंट में डलता है। और हम चीनी जो है इसे हाफ लेंगे, तो ये मैं 1 1/2 ग्लास चीनी इसमें डाल दूंगी।
मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और हाफ ग्लास मुझे और चीनी डालना है इसमें। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जिनको कम पसंद है वो कम भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक जो है वो घी जो है कढ़ाई जो है वो घी को छोड़ने लग जाता है, यानी तली से जो हमारा हलवा लगना नहीं चाहिए। तब तक इसको हम भून लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हलवा जो है हमारा अच्छे से भून गया है और ये आप देख ली पूरा जो कढ़ाई ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये कि हमारा पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हलवा जो है, हलवा हमेशा जो है मोटे तवे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, इससे वो कढ़ाई में जल्दी लगता नहीं। हलवा हमारा रेडी हो गया, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे, अब इसको मैं गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डाल दूंगी। ये जो है बहुत आसानी से बन जाता है और मुश्किल से ये आधे घंटे में तैयार हो गया है। अब इसको आपको जब भी बनाने का मन हो तो आप इसको अपने घर पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।